Hair problems, no more. Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ निष्ठा त्रिवेदी और जो आज की वीडियो है यह है पार्ट टू मेरी हेयर ट्रीटमेंट सीरीज का. अगर आपने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है, यानी पार्ट वन नहीं देखा है, तो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी. तो शुरू करते हैं पार्ट टू. तो जो सेकेंड प्रोसीजर है इस यू नो हेयर ट्रीटमेंट का, वो है एक स्प्रे. तो देखते हैं कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे स्प्रे को बनाने में, फिर बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है इस स्प्रे को. हम यूज़ करेंगे एक मीडियम साइज अनियन. अनियन से हमारी ग्रीनो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और हमारे बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी बनते हैं. चाहिए 4 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल, ये आपकी स्कैल्प का पीएच मेंटेन करेगा. हमें चाहिए 4 से 5 क्लोव गार्लिक, ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ. सबसे पहले हमें एलोवेरा लीफ को साफ कर लेना है. एलोवेरा में जहाँ भी आपको स्पॉट्स दिखें वो एरिया आपको काट कर अलग कर देना है. फिर जो उसके साइड्स होते हैं लीफ के वो आपको काट कर निकाल लेने हैं, और फिर जो अपर लेयर होती है उसे आपको निकालना है, और फिर एक स्पून की मदद से आपको जो एलोवेरा पल्प है उसको स्कूप आउट करके रख लेना है. आपको सिर्फ इसी पल्प की ज़रूरत है, तो उसको प्लीज़ अच्छे से स्कूप आउट करके अलग रख दीजिए. अब एक मिक्सर ग्राइंडर चार में आपको अनियन, गार्लिक और जो एलोवेरा पल्प है उन तीनों को डालना है. फिर थोड़ा सा पानी लेके, मैंने यहाँ पे 30 ml पानी यूज़ किया है, डालिए और फिर इन तीनों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए. आपको बहुत ही फाइन इसे यू नो पेस्ट ग्राइंड करना है, क्योंकि इसके बाद हम स्ट्रेन करने वाले हैं. आप कोई भी स्ट्रेनर जो आपके घर में हो उसे लेके इसे स्ट्रेन कर लीजिए, ताकि जो इसमें पल्प एरिया है, जो फाइबर है वो निकल जाए और एक आपको सिर्फ लिक्विड मिले. और फिर इस लिक्विड को आप चाहे तो डायरेक्ट किसी कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह इसको एक स्प्रे बॉटल में भर के आप इन्हें स्कैल्प पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और ये काफ़ी हैंडी है और आपके हाथ भी नहीं हर बार गंदे होते. सो आल सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से यूज़ करें और आपका हेयर स्प्रे अब तैयार है. आपने देख लिया कैसे बनाना है ये हेयर स्प्रे, और आपको इस हेयर स्प्रे को या तो आप किसी स्प्रे बॉटल में रख के यूज़ कर सकते हैं, इन स्प्रे कर सकते हैं. आपको ये आपके स्कैल्प पे लगाना है, हेयर्स पे नहीं, आपकी स्कैल्प पे लगाना है. आप चाहें तो इसको बना के आप किसी कॉटन की मदद से उसे कॉटन को इसमें डिप करके आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं. कम से कम 4 घंटे आपको स्प्रे को अपने स्कैल्प पे रखना ही है. मैं इन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रात में लगा के सो जाइए और सुबह उठ के आप धो सकते हैं, या फिर इसको आप रात में लगा के सो जाइए और सुबह उठ के आप लगा सकते हैं अपना हेयर मास्क, उसे 2 घंटे रखिए और उसके बाद अपने बाल आप धुल सकते हैं. सो ये हेयर स्प्रे जो होगा वो आपकी स्कैल्प इन्फेक्शन को, अगर आपके बाल जो नहीं बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बाल जो होते हैं बेबी हेयर्स, उनके लिए, और साथ में जो आपके स्कैल्प वाली जितनी प्रॉब्लम्स है ये इस पर बहुत अच्छा वर्क करेगा. तो आपको मास्क के साथ इसको भी यूज़ करना है ताकि आपको एक फुल ट्रीटमेंट मिल सके. अब मैं जो थर्ड वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं एक हेयर ऑयल बताने वाली हूँ आप लोग को, जो कि एक होली ग्रेल होगा आपके लिए. वो सिर्फ इसके लिए नहीं, आप उसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो रियली आई एम प्रॉमिसिंग यू पक्का चली जाएंगी. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको इस स्टेप की वजह से या लास्ट स्टेप की वजह से कोई फ़ायदा होता है आपकी हेयर क्वालिटी या हेयर प्रॉब्लम में, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लिए ये उनके लिए फ़ायदा करेगा, यू नो, जो आप मुझे नए नए मेरे चैनल को देख रहे होंगे, मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि यू नो ट्रस्ट कर सके मेरे ऊपर कि मैं जो बता रही हूँ वो मैं खुद यूज़ करके बता रही हूँ. और यू नो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना यार. तो अगर आप कमेंट करते हैं और आप यूज़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा. ये मेरे लिए, उनके लिए, ना सबके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, साथ में मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा. तो थैंक यू एडवांस में इसके लिए. तो आज के लिए इतना ही. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. साथ में सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, प्रेस करेगा उस बेल बटन को. अगर आप इतना करते हैं मेरे लिए तो मैं आपके नए वीडियोज़ हर वक्त ला पाऊँगी और आपको पता भी चल पाएगा कि मैं वीडियोज़ ला रही हूँ आपके लिए, और मैं आपकी प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकती हूँ ना, ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सके और यू लीड टू अ बेटर लाइफ. तो और हाँ, अगर आप मुझे फॉलो करना आते हैं मेरे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो लिंक सारी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. और अगर आपको कोई और भी लिंक चाहिए मेरी पुरानी वीडियोस की या कुछ भी, तो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं. तो आज चलती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.